नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक JW नलिन तलवार आज फिर आपके साथ लाइव हूं और मेरे सामने हैं, आप देख ही रहे हैं, नायक यज्ञ प्रताप सिंह, जिनका कि कल एक बहुत ही आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसने कि पूरे देश के अंदर एक तरीके से धमाल मचा दी है और खासकर सरकार के अंदर। देखना यह है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है, कैसे क्या करती है, उसी के ऊपर बातचीत करने के लिए, क्योंकि इन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें की हैं, तो हम भी जानना चाहेंगे कि यज्ञ प्रताप ने जो सब कुछ कहा है, जो कुछ हुआ है, तो उसके बारे में हम भी कुछ जानकारी हासिल करें। इसलिए यज्ञ प्रताप जी को आपके साथ सामने लेके आ रहा हूं और साथ में थोड़ी सी दो बात और कहना चाहूंगा यज्ञ प्रताप के बारे में, क्योंकि हमारा साथ बहुत पुराना है यज्ञ प्रताप के साथ, और यही वो व्यक्ति है कि जो बहुत ही, जिसे कहते हैं, बड़े स्केल के ऊपर जो सेना के अंदर सहायक प्रथा चलती है उसको पूरे देश के सामने लाने वाले, और हर चैनल पर वो वीडियो चले थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ यज्ञ प्रताप, तो 2017 की बात है ये। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 12 जनवरी 2017 रात के 7 बजे के बाद शुरू हुआ था और हर चैनल पर वो अलग अलग वीडियो चला था। जी जी जी, अगले दिन सुबह जो है, अब तो भगवान को प्यारे हो गए, जनरल विपिन रावत, उसी समय उन्होंने टेक ओवर किया था 31 दिसंबर 2016 को या 1 जनवरी 2017 को, और 13 तारीख सुबह जो थी उनकी 10-11 बजे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, जिसके अंदर उन्होंने उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी बदल कर और सहायक प्रथा के ऊपर ही बोलना पड़ा काफी कुछ उनको, और साथ में उन्होंने उस समय कहा था कि हम ऐसे लोग लेके आएंगे, सिविलियन लेके आएंगे, जो जिनको 30-30 हजार रुपया देंगे और वो जो है सहायक का काम करेंगे। और आप लोग जो अभी देख रहे हैं कि ये 1-2 साल से शुरू हो गया है अग्निपथ, अग्निवीर, पहले खाली ये सेना में था सहायक प्रथा, अब इन्होंने अग्निवीर, अग्निपथ उसी के ऊपर बनाए हैं और इसको एयरफोर्स और नेवी में भी ले आए हैं। लेकिन फर्क अब ये हो गया है कि जो सहायक थे पहले, जो पूरी नौकरी करते थे 17 साल की या उसके बाद आगे तक नौकरी करते थे, वही कर रहे हैं सहायक की, जो अग्निवीर आए हैं वो हाथ तक नहीं लगाते, क्योंकि वो 4 साल के लिए आए हैं, उनकी 4 साल की भर्ती है, 4 साल की नौकरी है, उसके अंदर वो हाथ तक नहीं लगाते ये सहायक प्रथा को, जाते ही नहीं है, करते ही नहीं है, वो हमारी तरह जिन्होंने जो कि 24 घंटे की नौकरी करते थे, 24x7x365 कि आपको 24 घंटे आप ड्यूटी पर हो, ऑन गार्ड, आप सो भी रहे हो तो एक तरह से ड्यूटी है, किसी समय आवाज लगाई आपको उठ के जाना है, लेकिन वो कर रहे हैं 8 घंटे वाली ड्यूटी, के 8 घंटे हो गए, हमने कर दी अपनी ड्यूटी, जितनी तनख्वाह मिल रही है हो गई, और अब हमारे जयराम जी के हम नहीं करेंगे और आगे, और यही चल रहा है। और हो क्या रहा है कि जो परमानेंट पहले के भर्ती हैं जवान, वही लोग फिर से अभी भी वही काम कर रहे हैं जो हटाया जाना चाहिए था। तो यज्ञ प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल, मेरा नहीं, हमारे चैनल साबका का, संघर्ष कमेटी का है, साबका संघर्ष कमेटी के चैनल साबका पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि साबका ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरे हिंदुस्तान के पूर्व सैनिकों को सेना के अंदर समस्याओं और सैनिकों को अपने हक के लिए लड़ने के लिए निरंतर जागरूक करती रहती है और उन्हें बताती रहती है कि आपका ये राइट है, आपका ये अधिकार है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं और ये विसंगतियां हैं, इस पर सरकार या सेना सुधार करे। तो मैं साबका के सभी मेंबरों को और खासकर आप जैसे जो 24 घंटे जवानों के हित और जो विसंगतियां हैं उसके लिए लड़ते रहते हैं, उसके लिए मैं सहदिल से प्रणाम और जय हिंद करता हूं। धन्यवाद। मैं अपने जुड़े हुए साथियों से, चाहे अभी कमी है, उनसे कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हम लाइव आ चुके हैं, इसका लिंक निकाल कर आगे से आगे, गोपाला कृष्णन जी तो कर ही रहे होंगे, बाकी साथी भी जो जुड़े हैं अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी लाइव आ जाएं और बात करने का जो है फिर और मजा आएगा। जब आप लोगों के प्रश्न भी अगर कुछ होंगे तो मुझे मिलते रहेंगे, हम उसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि यज्ञ प्रताप ने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, और जो इंटरव्यू आपने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था कल आपका यज्ञ प्रताप जी, जी सैल्यूट करता हूँ, बहुत बढ़िया था, आपने बहुत कुछ बोला लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स उसमें छूट भी गए थे जो कि हमें बोलने चाहिए थे, कोई बात नहीं, रोज रोज तो हम करते नहीं है, ना ही हमें ऐसी कोई प्रैक्टिस है कि
क्यों ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है झूठ बढ़ाने के लिए, और हम सच क्या बताने के लिए जाते हैं उसके अंदर, क्या हकीकत क्या है और हम क्या करेंगे। तो यज्ञ प्रताप जी, आपने जैसा कि अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला एमएसपी के ऊपर कि जो मिलिट्री सर्विस पे है ये जवानों के लिए होती है मेन, तो उन्हीं के लिए आई है जिनको कोई सबसे ज्यादा रिस्क है, लेकिन यहाँ पर जवानों को ही सबसे कम, जो कि बॉर्डर के ऊपर मैन टू मैन फेस कर रहा होता है, सामने पाकिस्तानी या चाइनीज या किसी भी सेना का जवान खड़ा है और सामने हमारा जवान खड़ा होता है जो छाती पर अपनी गोली लेता है, पीठ पर नहीं, दूसरे भागते हैं तो उनकी पीठ पर मारता है, क्या करें, मारना पड़ता है, भागते हैं वो लोग, छाती पे खाने की हिम्मत नहीं होती उनकी। और वहीं पर अधिकारियों को दिया गया, जो कि एक आधा वहां पर होता है, बाकी सब रियर में होते हैं, पीछे होते हैं, जहां से कि वो पॉलिसीज बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, वहां पर इतना ज्यादा खतरा नहीं होता, कोई गोलीबाजी नहीं होती। मगर मेरा जो पॉइंट है, ये चाहे सेना के अधिकारी हो या जवान हो, ये कॉम्पिटेंट मेंबर हैं, ये परेड करते हैं राइफल लेके, हथियार चलाना जानते हैं, हथियार चलाते हैं। मगर जो तीसरी कैटेगरी बीच में इन्होंने ऐड की वो है नर्सिंग अफसर्स की, जो कि फीमेल नर्सिंग अफसर्स हैं, उनको 10,500 दिया, लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं है। क्या आपने कभी देखा किसी नर्सिंग ऑफिसर को वो राइफल लेके परेड करते हुए, वो हथियार को हाथ भी नहीं लगा सकती हैं, वो फायरिंग करती हैं क्या? आपने कभी देखा, कहीं पे सुना है फायरिंग करती हैं? जब उन्होंने बंदूक को हाथ नहीं लगाना है, बॉर्डर पर नहीं जाना है, कुछ करना नहीं, बॉर्डर से 50 किलोमीटर पीछे होता है कोई फील्ड एम्बुलेंस या कोई भी सरकारी ऐसी जगह होगी जहां पर की नर्सें होती हैं, छोटे मोटे जो होते हैं यूनिट के अंदर, एक डॉक्टर भी होता है, एक मेल जो है सिपाही हवलदार, मतलब हमारी कैटेगरी का, हमारे जवानों का वो होता है। इनको सिर्फ इसलिए रैंक दिया गया था कि लोग जो है, जो जवान जो है, उनके साथ ज्यादा घुल मिल ना सके। मगर करते करते ये हो गया कि हमारा जो एमएसपी है वो भी उनको दे दिया गया, हमको 5,200 में रखा गया, उनको 10,500 और खुद 15,800 या 600 जो भी होगा, उससे फिगर्स डजंट मैटर, फिगर से कोई मतलब नहीं होता कि कितने हैं, मगर ये बहुत बड़ी विसंगति है जिसके ऊपर की कोई इतना बोलता नहीं है। उनको तो मिलना ही नहीं चाहिए भाई, वो तो पीछे रहते हैं 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर कोई फील्ड एम्बुलेंस या कोई बड़ी यूनिट होगी, उसके अंदर जो है एमएच वगैरह में नर्सें नजर आएंगी। जी जी बेसिक आप श्रीनगर वगैरह सब तरफ रहे हो, कभी आपने देखा कि आपकी यूनिट के अंदर नर्स रहती है कोई? नहीं 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 सर, जो बेस हॉस्पिटलें होती हैं, जो नीचे बेस में बनाई होती है वहां पर वो होती हैं, और जो घायल मरीज, घायल जवान या पेशेंट जवान है उनका वो उपचार करती हैं, वो भी डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची पर उनका उपचार करने का अधिकार है, वो अपने से कोई भी दवा नहीं लिख सकती हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा कहने का मतलब, मेरा पूछने का आपसे जो सवाल है वो ये है कि इस प्रकार की विसंगति कैसे लाई गई, मतलब ये आंखों, एक ही तो होता ना कि आदमी आंखों से देखते हुए मक्खी मुंह में नहीं ले सकता, अगर आप देख रहे हो आपका मुंह खुला हुआ और मक्खी अंदर घुस रही है, आप उस समय थूक देंगे उसको बाहर। मगर ये तो एक तरीके से नर्सिंग ऑफिसर्स को जो दिया गया है ये तो बिल्कुल गलत है भाई, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, वो हथियार तक नहीं उठाते हैं, हथियार के साथ परेड नहीं करते हैं, कुछ नहीं है, फिर भी उनको 10,500 और जो जवान वहां पर बॉर्डर पे खड़ा है सामने और हर चीज के अंदर आगे बढ़ रहा है, आप देश की रक्षा के लिए दिन रात 24/7/365 जाग रहा है और काम कर रहा है, उसको 5,200, क्या आपका क्या विचार है इसके ऊपर? सर इसमें सबसे बड़ी, सबसे बहुत अच्छा आपने पूछा सर, और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि सेना के अंदर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वही एक फाइनल निर्णय लेते हैं कि हमको किसको क्या कैसे देना है, किन सुविधाओं को अपनी सेना से, सेना को सुजज्जित करना है, किन सुविधाओं को सेना के जवानों को देना है, उसका वजन है। एक चीज मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर आदमी एक दूसरे के साथ रहे ज्यादा समय तक तो उसके प्रति उसका जो प्रेम या उसका जो दायित्व होता है ज्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बेस हेडक्वार्टर में रहते हैं, और जितने भी एमएनएस हैं ये भी बेस हेडक्वार्टर में ही काम करती है, नीचे लेवल में फ्रंट लाइन पे सिर्फ जवान होता है, एक आधा अफसर होता है जो अपने एफआरपी के अंदर होता है। हुआ क्या कि ये जो अफसर के करीब रहने वाले लोग हैं, जब इसमें विचार हुआ तो इन्होंने क्या किया, अपने करीब और इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को इन्होंने बेनिफिट दे दिया।
इसका साफ और स्पष्ट यही होता है कि जो अपने उनके इर्द गिर्द जैसे एमएनएस बेस हेडक्वार्टर में रहती हैं, सारे सेना के अधिकारी बेस हेडक्वार्टर में रहते हैं, एक आधा अफसर जो पोस्ट में रहते हैं, जो पोस्ट कमांडर होते हैं वो जवानों के टुकड़ी के साथ में रहते हैं। फॉरवर्ड में तो जवान जेसीओ जो हवलदार लड़ाई लड़ता है, एक अफसर होता है जो कमांडिंग ऑफिसर बन के वहां पे कमांड करता है, उसको भी हम 15 से 20 आदमी के प्रोटेक्शन के बीच में रखते हैं कि कहीं उसको कोई दिक्कत न हो। हुआ क्या कि ये आपस में बैठकर ये गुत्थी सुलझा लिए कि ये इनको भी 10,500 दे दो भाई, और ये जवान तो 5200 दे दो, कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि जो भी मुझे फाइनल करना है सेना के अधिकारियों को करना है, थल सेना अध्यक्ष को करना है, जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं सेना की, तीनों सेना के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारे जवान को ये चाहिए, हमारा जवान इतने में खुश है। इन्होंने हमको 5200 दे के बोल दिया कि भैया मेरी गारंटी है जवान कोई नहीं बोलेगा, 5200 रुपए में हमारा जवान खुश है, इनको और 10,500 इनको दे दो और 15,000 हमें दे दो, हम इसके आगे कुछ नहीं होगा, मैं उसकी फुल गारंटी लेता हूं। वही गारंटी में सरकार भी इनके साथ होगी क्योंकि सरकार को भी बेनिफिट हो गया, 97% हम है, 3% ही है। सरकार सोचा, सरकार भी सोची कि चलो 97% का हमारा 5,000 में ही काम चल रहा, यानी कि 10,000 हमारे पर जवान बच रहे हैं, तो क्या करना है, नहीं दिए। मेन रीजन ये है सर। और मतलब साथ में मेरा जो मैंने सुना है सब कुछ, एक जनरल साहब भी थे जो आर्मी से रिटायर हुए, जनरल मतलब फुल जनरल, मैं लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल की बात नहीं कर रहा, उनकी वाइफ भी एमएनएस थी, उन्होंने तो यहाँ तक किया था कि हरी वर्दी भी अलाउ कर दी थी, जो शायद बाद में वापस ब्राउन के अंदर लेके आए, उसको चेंज किया, तो वो सब कुछ भी हुआ है। वही मेरा कहने का मतलब यही है सर, जो आप कह रहे हैं बस सेम वही बात है कि जो करीब हैं उनको इन्होंने दे दिया, जो जब साथ में जो रह रहे हैं, इन्होंने एक सिस्टम सेना में चलाया, बड़ी सिस्टम के जवान जो है अफसर का बड्डी होता है, यानी हमराही होता है, एक दूसरे का जानने वाला होता है, समझने वाला होता है, इसलिए हमने बड्डी रखा है कि आपस के तालमेल बने रहें। लेकिन तालमेल कितना बना है ये तो ये साफ स्पष्ट हो रहा है, एमएसपी से आप लगा लीजिए कि कितना हमारा अफसर का और जवान का तालमेल है, कितना जब अधिकारी हमसे प्यार करते हैं, अगर इतना ही तालमेल होता तो हमको भी रिक्स अलाउंस भत्ता तो सबको बराबर होना चाहिए, आपको पेमेंट ठीक है। आप ये जो बड्डी सिस्टम सहायक प्रथा थी, ये थी अंग्रेजों द्वारा चलाई गई उस समय की, उस जमाने की, उसका मुख्य कारण ये था कि एक दो हिंदुस्तानी जवानों को जो है नीचा दिखाना, अपने नौकर की तरह रखना, जो काम लेते थे गलत काम लेते थे वो भी, जबकि फॉरेन की सेनाओं के अंदर भी बड्डी थे, लेकिन उनका काम वो नहीं था कि जूते पॉलिश करना, कपड़े धोना, ये सब कुछ करना, वो लोग जो है अपना ड्यूटी करते थे, जैसे कि आगे फॉरवर्ड में जा रहे हैं, उस समय जो ट्रांस रिसीवर होता था 16 किलो 17 किलो का होता था, अफसर अपना बेडिंग उठाए, हथियार उठाए या ट्रांस रिसीवर उठाए, क्या कुछ उठाए, तो उसकी मदद के लिए ज्यादातर सिग्नल्स वाला होता था बंदा, जो कि उसका ट्रांस रिसीवर भी उठाया हुआ है, हथियार भी उठाए हुए हैं, एक आधा हथियार उसके पास है और बेडिंग वगैरह सब लाद के वो चलता था कि भी कहीं भी मैसेज आ रहा है तो उसी समय वो सुन सके। मगर अब तो सैटेलाइट फोन है भाई, 500 ग्राम का नहीं है वो सैटेलाइट फोन, इस तरह से बहुत कुछ ऐसा है और जो कि बहुत गलत चल रहा है। इससे हम जरा आगे बढ़ते हैं यज्ञ प्रताप जी और बात करते हैं 3 मार्च की। 3 मार्च को जैसा कि आपको पता है, आपने बताया है और हमने आपने जो उस दिन बताया भी कि 29 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, तो उसके ऊपर आगे कुछ आपको कोई इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसा कुछ मिला है, कुछ प्राप्त हुआ है कहीं से? सर मुझे जो जानकारी हमारी जो हम निरंतर पूर्व सैनिकों के साथ में मिलकर आज 1 साल से सभी को पता है, जो हमारे सैनिक हैं पूरे हिंदुस्तान के देख रहे हैं कि हम लोग एक संवैधानिक तरीके से नियमावली के अनुसार संविधान के दायरे में रहकर सरकार किसी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाते हुए हम लोग धरना कर रहे हैं, एक छोटी सी मांग को लेकर। छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी एक बेसिकली प्रॉब्लम है हर जवान की, उसको लेकर प्रेजेंट करना चाह रहे थे सरकार को। हम एक ही दिन में ऐसा कोई हिंदुस्तान का सांसद नहीं जिसको ज्ञापन नहीं दिए, ऐसा कोई जिला कलेक्टर नहीं जहां पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन नहीं दिया गया, बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद भी सरकार अभी तक किसी तरह से कोई भी प्रतिक्रिया सरकार के किसी भी नुमाइंदे के जो संबंधित पद पे बैठे हैं उन्होंने नहीं बोला। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा यज्ञ प्रताप जी, जैसे आप कह रहे हैं ना, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके पास भी नहीं होंगी,
जी उनको मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, ताकि आपको भी थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हो सके। ये जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो इसे हम मतलब मैं अपनी तरफ से, मैं साबका की तरफ से नहीं, मैं एक पत्रकार की तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। ये साबका का नहीं है, नलिन तलवार बोल रहा है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, एक जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के, जिनको कि हमने पूर्ण बहुमत के साथ धक्के मार के बाहर कर दिया है, इसीलिए वो भी कोई दिग्गज वीरांगना वगैरह कुछ नया खोलने के चक्कर में है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास बहुमत था ही नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ उनको बाहर निकाला है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक लेटर निकाल के डाला है पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में कि जुलाई के अंदर जो है, जब हमने वो संसद घेराव का करना था, जो इन्हीं अर्जुन सिंह ने करने नहीं दिया, मना कर दिया, जो 5 बजे तक हमारी रैली होनी थी उसको 1:30 बजे अनाउंस कर दिया खत्म। और एक सज्जन थे हमारे एयरफोर्स के, रिटायर्ड हैं, हवलदार, एडवोकेट हैं, खुद को एडवोकेट कहते हैं, लेकिन बहुत ही नीच हरकत की, जबकि हम पॉलिटिकल, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, पड़ोस में एक पॉलिटिकल पार्टी का वो लगा हुआ था वहां पर, जो है वो 1 घंटे तक, जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद माइक पकड़ के 1 घंटे तक अकेला ही जो है उनको गरियाता रहा, कोसता रहा, बिना मतलब का, कोई मतलब नहीं उसका। और वो उसने अपने पार्टी हेडक्वार्टर को भेजा जी वहां, उसने बताया कि मुझे बड़ी तारीफ मिली है मेरे एक वीडियो से, मैं वो वीडियो नहीं शेयर कर सकता क्योंकि उन्होंने सब गलत काम किया वहां पे, जवानों के मंच से उन्होंने पॉलिटिकल बातें की, हम लोग फिर भी चुप रहे क्योंकि हमारा मकसद तोड़ना नहीं था, जोड़ना था, इस कारण शांत रहे। तो उन्होंने ही कहा है कि जुलाई के आखिर में और अगस्त में इनकी जो है पर्दे के पीछे सरकार के साथ कई गुप्त बैठकें हुई हैं, समझ रहे हैं आप इस बात को? आप अभी भी ये बोल रहे हैं कि सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, सरकार ने अपनी पूरी की पूरी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन जो इंसान था वो हमारा ही फेडरेशन का अध्यक्ष था जिसको सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे, उसने वो सब कुछ अपने तक रखा और बाकी मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, मेरे को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, अपने चंद जो उसी एक उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ मिलके सरकार के साथ जो है जी, उसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है और ये बैकडोर से उनके साथ वार्तालाप करते रहे इसी धरने को तोड़ने के लिए। और आज भी ये सरकार और ये अर्जुन सिंह राठौड़ और उनके साथ जो उनके प्यादे हैं, ये सारे के सारे लगे हुए हैं इस धरने को तोड़ने के लिए। रोज कुछ ना कुछ मैसेज करते हैं, 2-3 दिन से शांत हैं, शायद वो उनके ज्यादातर नशे अब कमजोर हो गई है, तो क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास बैठे रहते हैं वो, तो इसलिए उनका नहीं आ रहा है, तो ये सब कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए भी नई बात होगी जो मैं कह रहा हूँ आपसे इस समय। सर इसमें देखिए साफ एक चीज स्पष्ट होती है कि ये जो लोग सेना के पूरे जवानों के नाम पर वहां पर अपने वरिष्ठ पद पर बैठ के अपने आप को फोकस कर रहे थे, उस दिन वहां पे मैं भी था, और उस जो वेव थी, एक लहर थी, जो एक जवान के नाम पर बहुत तगड़ी लहर थी, आपने भी देखा होगा, बहुत पूरे ऑल इंडिया के ऐसा कोई जगह नहीं। मैंने पिछले 10 साल में इतने लोग कभी नहीं देखे, लोग बोलते थे 10,000 आए, 20,000 आए, 30,000 आए, वो डिवाइडेड बाई 8 होता था, 7-8 गुना एक्स्ट्रा बताते थे, 500 आए हैं तो 4,000 बताते थे, अगर 1,000 आया है तो 10,000 बताते थे, ठीक है। लेकिन उस दिन जो संख्या बल था वो 1 लाख से ऊपर था, क्योंकि हर तरफ जवान ही जवान थे, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मंच लगा हुआ था उसकी सारी कुर्सियों पर जवान थे, उनके मंच की तरफ से हटा के जवानों ने हमारे मंच की तरफ कुर्सियां उल्टी कर दी थी, और हमारी तरफ, हमारे यहाँ जो लोग बात कर रहे हैं उसको सुन रहे थे, जो भी नेता जहां से भी आए थे बाहर से उनकी बातें सुन रहे थे। और यहाँ पर आपको उस दिन, अब नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल की जगहों से एक महिला आई हुई थी वहां पे, नागालैंड की थी, जो अब स्पेशली अपने धरने के लिए आई थी, तो मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी प्रदेश की जहां से लोग वहां उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन जो ये वरिष्ठ पद लेकर अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष है या इसके फेडरेशन, आप उसके बैठने के वरिष्ठ पद पे बैठे हुए थे, हमको समझने में भूल हो गई, सरकार ने पहले ही इनके ऊपर सेंध लगा चुकी थी, ये सरकार के बंदे थे और सरकार के लिए काम कर रहे थे। बहुत शर्म आती है मुझे इन्हें पूर्व सैनिक कहने में, जीवन थोड़ा सा है, जिंदगी ऐसी जियो
कि लोग मरने के बाद भी याद करें कि बंदा निष्पक्ष था और अपने जवानों के लिए लड़ रहा था, लेकिन इतनी उम्र होने के बाद में इतनी घटिया सोच और इतना गंदा कृत्य उन्होंने किया है कि जवानों का मनोबल तोड़ा है। मैं तो कहता हूं कि बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है इन्होंने। और हालांकि अभी सबको पता चल गया, सरकार इनको स्पेशली इसीलिए वहां पर नियुक्त की थी कि हमारे जो ये सैनिकों का धरना है इसको मैं तितिर बितिर कर दूं, इनको इनके अंदर एक विखंडन पैदा कर दूं, ताकि एकजुट होकर ये आवाज ना उठा सकें। क्योंकि जिस दिन जवान 97% एकत्रित हो जाएगा, और जो उस दिन की मुहिम थी 1 लाख से अब पूर्व सैनिक वहां पे एकत्रित हुए थे, वो जो सैलाब था वो सैलाब को तोड़ने के लिए इनको बनाया था, और ये जैसे ही अपने काम में सक्सेसफुल होने लगे वैसे ही साइड हो गए। उस दिन भी उन्होंने लास्ट तक जवान कहते रहे कि सर हमें आदेश दीजिए, हम संसद घेराव के लिए गालियां दी हैं, मुझे मेरे मुंह के ऊपर गालियां दी हैं, और आपको हमको दिल्ली पहुंचा भेजते थे। थोड़ा सा आपके ऊपर भी मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आपने आपको मंच पे आना चाहिए था, आप मंच पे नहीं आए, साइड में रहे, क्या कारण था मैं नहीं जानता, आप बताइए यहाँ पे, क्योंकि वहां पे स्पष्टीकरण देना था कि क्यों सारे जवान तो ये कह रहे थे हम संसद घेराव के लिए मूव करना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी सरकार से बात हो गई है मूव नहीं करना, तो बात हो गई है तो बात तो स्पष्ट करिए आप मंच पे कि क्या बात हुई है, क्या सरकार मेरी मांग को मान रही है। देखिए यज्ञ प्रताप जी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन जी, जो हमारी संस्था की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कुछ भी है उसकी देखभाल करना, लेटरबाजी ये वो हर तरफ, और मेन डिसीजन जो होते हैं जो मंच के ऊपर जाके बोलेगा, हमारे यहाँ होता है जनरल सेक्रेटरी है वही अध्यक्ष भी बना हुआ है, सबके काम वही कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जब हमने एक इतनी बड़ी संस्था, आप खुद सोचिए हम 1947 में रिटायर हुए हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो 35 साल की सर्विस करके एयरफोर्स के अंदर 1983 में रिटायर हो गए थे, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए, कुछ नहीं कर पाए रिटायरमेंट के बाद भी, और मैं भी कब 2008 से रिटायर हुआ हूं, अब 2023 2008 में, मतलब 15 साल के बाद हमें एक, मतलब वो एक सपना था मेरा, है भी, उसको हम पूरा करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पूरा करेंगे, वो सपना था मेरा कि हम इस संस्था को बनाएं, और मेन चीज ये थी कि जिस तरह से हम विघटित हैं, छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, और सभी ग्रुप इस बात से डरते हैं कि अगर मैं दूसरे के साथ मिल जाऊंगा तो मेरा महत्व खत्म हो जाएगा, जो नेता है संगठन नहीं, आपके जो नेता हैं छोटे छोटे संगठनों के, उनके मन में ये है कि अगर मैं, जैसे यज्ञ प्रताप का संगठन बड़ा है और मैं भी उसी जगह रीवा डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ हूँ अपना छोटा सा संगठन बना के, अगर मैं आपके साथ मिलता हूँ तो ये यज्ञ प्रताप तो ऊपर ही है, मेरे भी 50 आदमी इसके साथ मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को कोई पूछेगा नहीं क्योंकि उसके तो 200 है 250 है और मैं पीछे रह जाऊंगा, तो एक सपना था, अगर हम आके वहीं पर मंच पर लड़ना झगड़ना एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दें तो वो तो वहीं का वहीं टूट जाएगा, हमने संयम दिखाया अपना, ऐसा नहीं, मैंने खुद जाके भी उनसे बात की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और आइडिया भी दिया फिर के शांतिपूर्वक होना चाहिए, उन्होंने उसके ऊपर भी विचार नहीं किया, और हर चीज जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाई, उनको सरकार की तरफ से ये था कि इनको शांति से यहां से ले जाओ तुमको इनाम मिलेगा, उसके बाद जब उन्होंने देखा शांति तो हो गई, मगर अगला ऑर्डर ये था कि अब इस जो इकट्ठा हुए हैं जो इतने 28 लाख पूर्व सैनिक और 7.5 लाख माता बहने और उसमें से ये 10-20 गद्दार हटा दो, इनको छोड़ के बाकी सब जुड़ना चाहते थे, तभी तो आए ना इतने लोग, आप भी पत्रकार हैं, आप देखते होंगे जब इलेक्शन होता है तो ये नहीं कि जो वो निकालते हैं ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो कुछ लोगों से पूछा जाता है हर पोलिंग बूथ पे जाके और उससे निकलता है, हमारे साथ तो 1 लाख से ऊपर आदमी आया था जो ये चाहता था कि ये हो, हम लोग साथ आए, हम लोग साथ रहें, हम लोग एक साथ अपने मुद्दे उठाएं, हर काम करें, मगर उसके लिए अगर मैं ही जाके वहां पे मंच पे लड़ना शुरू कर दूंगा, अब इस मर्यादा को एकदम साइड में करके कि वो प्रधान है प्रेसिडेंट है, ही इज द पर्सन जो कि जवाब देगा वहां पे, जिसने बोलना है जिसने हर चीज को उठाना है, वो तो साफ करके कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी हमको, ये हो जाए, अरे 80 साल के हो गए यार, राजपूत घर से घराने से आते हो, छाती पे नहीं खा सकते गोली, छाती पे डंडा, सिर पे डंडा नहीं खा सकते, बैठे वहां पे लड़कियों जैसी औरतों जैसी बातें कर रहे हो कि मेरे तो आगे से गीला पीछे से पीला हो गया,
वो ये शब्द बोल रहे थे एक तरह से डिमोरल करने का शब्द है ये कि पुलिस पकड़ लेके जाएगी। हम एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे जाट आंदोलन देख लीजिए, चाहे गुजर आंदोलन देख लीजिए, चाहे राजपूतों का हुआ उसको देख लीजिए, जितने भी आंदोलन पाटिल आंदोलन देख लीजिए, ऐसा कोई आंदोलन नहीं जिसमें सरकार की अरबों रुपए की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंची है, अगर एक लाख से ज्यादा जनता वहां पे एकत्रित हुई है। और हमने एक मिसाल कायम किया है कि एक लाख लोग जंतर मंतर में खड़े होने के बाद में डिसिप्लिन के दायरे में वापिस आ गए, और जब और जिन लोगों ने देश की संपत्ति को अरबों रुपए को नुकसान पहुंचाया, यही हमारे देश का संविधान, यही कानून, यही राजनेता थे, आज तक उनके ऊपर एक भी तरह किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किए। तो हमारे मैं पूर्व सैनिकों का एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर हम संविधान के दायरे में कर रहे हैं तो सरकार हमें क्या करेगी। हम एक सैनिक हैं, हमें पता है कि हमारा देश, हम देश, हमें देश प्रेम दिखाने बताने की किसी की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर 18 साल की उम्र से देश प्रेम भरा हुआ है और आज हम 50 साल है, 40 साल है, 60 साल की उम्र में है, तो हमको वो देश प्रेम हमसे नहीं जाएगा। अगर हम डिसिप्लिन के दायरे में रहकर कर रहे हैं तो सरकार क्या ले जाएगी, बंद कर देगी, छोड़ देगी। लेकिन हमको आवाज उठाना, हमारे जो लीडर हैं वो लीडरशिप नहीं कर रहे थे, वो दलाली कर रहे थे, दलाली की एक तरह से सरकार के लिए काम कर रहे थे, जवानों का डिमोरल करने का काम कर रहे थे, उनको गलत मैसेज पहुंचा रहे थे कि हम अगर घेराव करेंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। अरे कार्रवाई, यहाँ देश द्रोहियों के ऊपर सरकार कार्रवाई करने में 15 साल लगा दिया। अफजल गुरु कसाब जैसों को अंडा सेल में रखकर 15-15 साल उनका केस चलाया। हम तो एक सैनिक हैं और एक संविधान के दायरे में अपनी मांग कर रहे हैं। आप लोग जहां भी हैं, मेरा तो ये कहना है कि आप लोग जहां भी हैं अपनी जगह पर खुलकर बोलिए और डट कर लड़िए। हमारे हक के लिए हमें कुछ नहीं होगा, सरकार हमारे साथ में कुछ ऐसा नहीं कर सकती है। यज्ञ प्रताप, आपकी लाइट सर बंद हुई है मेरे यहाँ पे। मैं आप ऐसा कर रहा हूँ, बाहर आ जाओ, खुले में आ जाओ। दो सर म्यूट कर रहा हूँ, मैं दो मिनट बाहर हो रहा हूँ, है ना। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो साथियों, यज्ञ प्रताप के वहां पे जरा लाइट चली गई है, तो जो कि हमारे देश में होता रहता है भाई, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जिसके हम कुछ टिप्पणी भी करें, क्योंकि हम सब जानते हैं ये होता रहता है। मेन ये था कि 23 जुलाई 2023 को जो था वहां पर जो है सरकार के दलालों ने दलाली खाई और उसको जो है जिस प्रकार से होना था, जो होना जैसे करना था, उसकी बजाय उन्होंने उसे मतलब कमजोर कर दिया। कई लोगों ने मेरे मुंह पे मुझे उल्टा सीधा बोला, लेकिन मुझे शांत रहना पड़ा। और तो और जो साबका वालों ने एक छोटा सा बाद में संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की गई थी, वो पुलिस ने रोका उनको। और फिर उसके बाद पुलिस के जो एसीपी थे उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बोला, हमारे साथ लोग थे कि जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देते। अरे भाई, गलती हुई है तो मानने में कोई वो नहीं है, मगर जो हमारा हक था उसके लिए लड़ना भी हमारे लिए जरूरी है। ये सरकार कहती है कि जो है आपको न्यायालय के ऊपर, न्याय के ऊपर, हमारे देश के कानून के ऊपर विश्वास होना चाहिए और शांतिपूर्वक काम करने चाहिए, कोई तोड़ फोड़ वगैरह नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आप बताइए, हम पिछले एक साल से बैठे हुए हैं और ये सरकार हमारे पास नहीं आई है। लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन के उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कहा कि हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले 3 मीटिंग हो गई सरकार की उनके साथ, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम इतनी तारीख से शुरू करेंगे, तो उससे पहले उनकी होगी। मतलब ये सरकार चाहती है कि हम लोग जो है कुछ उग्र रूप धारण करें। जैसे अभी दिल्ली में धारा 144 किसने लगा के रखी है भाई, पंजाब से किसान आ रहे हैं, वो यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और दिल्ली के अंदर इस समय जो जहां जहां भी वो टेम्परेरी बैरिकेड्स इन्होंने लगाए हुए थे पहले, मतलब वो सड़कों के बीच में लगा देते हैं 4 लेन बनाने के लिए, 2 लेन बनाने के लिए, तो वहां से उखाड़ उखाड़ के हर जगह इन्होंने लगा दिए हैं, वो कर दिया है। वो तो वहां से अभी हरियाणा के बॉर्डर में नहीं आए हैं, हरियाणा में तो घुस ले उसके बाद आगे आएंगे ना। ये दिल्ली में मतलब इतना डर किस बात का है सरकार को, क्यों ये सरकार इतना घबराई हुई है कि कोई 4 आदमी आके यहाँ पे जय जवान जय किसान बोल दे या जय किसान किसानों के नारे लगा दे या कुछ कर दे, क्यों घबराई हुई है सरकार। मेरे को भाई लोगों, दोस्तों, साथियों, बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये धारा 144 का कारण क्या है।
या तो वो यहाँ पे कोई उग्रवाद या किसी चीज की घटना की वो हो, सूचना हो, कुछ हो, अगर ऐसा सूचना है तो प्रोएक्टिव बनिए ना, आपकी फोर्सेस हैं, आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है, क्या कर रहे हैं वो लोग, खाली मूली गाजर खा रहे हैं, काट रहे हैं, उनको आगे बढ़ के काम करना चाहिए ना, उनको पकड़े अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है तो। लेकिन देश के अंदर आप जो है हर जगह आपने धारा 144 लगा के पूरी दिल्ली के अंदर सब कुछ बंद करके रखा हुआ है, इतने दिन हो गए हैं, उसको खोलने की बजाय, ताकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, सभी पार्टीज के लोगों ने आगे जंतर मंतर पे बोलना, आप बोल दो हमने तो धारा 144 लगाई है, यानी कि ये सरकार अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती है, क्यों भाई ऐसा क्यों है? आप नहीं चाहते कि एक अच्छी अपोजिशन हो, आपको लोग आपके गलतियां बताएं और आप उनको सुधारे और हमारे ऊपर राज कीजिए, कोई चिंता नहीं हमको, हम मना नहीं करते कि आप हमारे ऊपर राज मत कीजिए, लेकिन ये बात सच है जो कल यज्ञ प्रताप ने कही कि आज तक आज का दिन है, अब आप वो जो जो कुछ भी ये पॉलिटिकल पार्टी या सरकार ने मिलके हमारे को तोड़ने के लिए किया गया है उसके अंदर आप फेल हो चुके हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, 3 तारीख को हम करेंगे, आज का दिन आखिरी है आपके पास, यू हैव टू सेंड द फीलर, आपको मैसेज भेजना पड़ेगा, आपको हमें बताना पड़ेगा, नहीं तो 3 तारीख से या उसके बाद जो भी डिसीजन होगा 3 तारीख को वो फाइनल होगा। अभी तो यज्ञ प्रताप ने ऐसे बोल दिया, हम अगर जय जवान जय किसान जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का, उस नारे को सत्यार्थ करेंगे, आज अगर जवान सड़कों पर है वैसे ही किसान भी सड़कों पर है, 1 साल से हम बैठे हैं, 1 साल से वो बैठे हुए हैं, मतलब पहले बैठे थे अब फिर से दोबारा से उनका शुरू हो गया, उनके ऊपर तो आंसू गैस के गोले और तो और जैसे उग्रवादी हो उनके ऊपर ड्रोन से गोले गिराए जा रहे हैं, आंसू गैस के निशाना लगा लगा के, ताकि वो वैसे हवा में ना गिर जाए कहीं उनका फट जाए, तो वहां उनको इस तरीके से किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। तो यज्ञ प्रताप जी आगे आते हैं, अब आप सेट हो चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 तारीख का मध्य प्रदेश से आपके साथियों का क्या है रुख, क्योंकि हो गया है 32 मिनट करीब हो गए, काफी लंबा हो चुका है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो मुद्दे की बात पे आते हैं, तो बताइए 3 तारीख। सर एक कहते हैं एक रामायण में एक चौपाई है कि विनती करहु विनीत से जब लग जीवन आस, अब जब जाने जी अजात है सो सिंघो कौन तरास, मतलब विनती तब तक की जाती है जब तक ये अनुमान हो, आस्था हो, उम्मीद हो कि सामने वाला मेरी बात को कभी न कभी सुनेगा और मेरी बात को मानेगा, कुछ न कुछ तो हमें यहाँ से हासिल होने वाला है, और जब समझ में आ जाए कि यहाँ से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, मुझे मौत ही निश्चित है, तो सामने शेर हो तो उससे लड़कर मरना चाहिए, डर कर नहीं, ताकि मरने के बाद लोग एग्जाम्पल दें कि उस व्यक्ति ने शेर से लड़ते लड़ते मारा था। कहने का तात्पर्य है कि 1 वर्ष हो गए मुझे सरकार की उम्मीद और सरकार के विश्वास को प्राप्त करने के लिए, लेकिन किसी भी तरह से अभी तक सरकार ने कोई उम्मीद हमें और किसी भी तरह से विश्वास नहीं जताया है और ना ही दिया है। 3 तारीख को मध्य प्रदेश के ऐसा कोई जिला नहीं जहां से हमारे पूर्व सैनिक दिल्ली के लिए मार्च नहीं होंगे, सबके रिजर्वेशन हो गए हैं, जो नजदीक हैं बाय रूट पहुंच रहे हैं, कुछ लोग अपनी कार से पहुंच रहे हैं, बाय ट्रेन पहुंच रहे हैं, जैसे भी करके हम लोग पूरे मध्य प्रदेश की हमारी टीम जो है दिल्ली पहुंचेगी, वहां पर जो उच्च लेवल के जो बैठक होगी, बैठक के बाद जो डिसाइड किया जाएगा वो फाइनल फैसला होगा, क्योंकि अब हमारे पास में इंतजार का समय नहीं है, अब हमें कुछ करने का समय है और सरकार को बताने का। अगर सरकार उसी भाषा में समझती है कि सरकार को नुकसान पहुंचे, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचे, तो ठीक है, हमने भी टैक्स से, और जो नुकसान होती है वो हमारी भी नुकसान होती है, क्योंकि अगर नुकसान तो हम करते ही नहीं ना, इसमें तो हम विश्वास ही नहीं रखते हैं, हमने तो पहले भी कहा है कि हम खुद का नुकसान करेंगे यार, हम जनता को परेशान नहीं करेंगे। जो आंदोलन हुए हैं वो सरकार की नुकसान करते हैं, लेकिन हम सरकार का नुकसान नहीं करेंगे, हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर सरकार को फिर भी नहीं होती है तो ठीक है, हमारी हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, किस एंगल से हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे ये जब वक्त आएगा तब बताएंगे कि हमें कितना क्या करना है। हमें सरकार की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जिस संपत्ति को मैं बच्चे की तरह छाए में पाला है और उसको बचाया है, सुरक्षित किया है, हम टैक्स पेयर है, हमारे पैसे तो बनिए, सरकार के पास पेड़ थोड़ा लगा पैसे का, टैक्स पेयर के पैसे से ही बन रहा है सारा कुछ।
जिस संपत्ति को जिस तरह हम बच्चे को अपने गोद में लेके पाल के बड़ा करते हैं, उसी तरह हमने अपने देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सरहद पर, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बर्फ हो, ठंड हो, हर विषम परिस्थितियों में हम खड़े होकर उस देश को सुरक्षित किया। तो मैं उस देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इतना मेरा अधिकार है कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। और वो जब वक्त आएगा तो हम दिखाएंगे सरकार को हमें क्या करना है और कैसे किया जाएगा। सरकार की अगर यही चाहती है तो अच्छी बात है। तो साथियों, आपने देखा काफी जोशपूर्ण रहा हमारा, क्योंकि वो क्या कहते हैं, यज्ञ प्रताप से ज्यादा मेरे अंदर भी कुछ बहुत कुछ भरा हुआ था, जो बोलने का मौका किसी चैनल पर नहीं मिला तो मैं भी कुछ बोल गया। अगर कुछ गलत शब्द हो या किसी को बुरा लगे तो उसके लिए यज्ञ प्रताप की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। और जो भी है बातें वो सच कही गई हैं, सच के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि लोगों ने खुद लिख के कहा है कि हमारी सरकार के साथ बैठकें शुरू थी, हम सरकार के साथ बैठक कर रहे थे, जिसका कि ज्ञान फेडरेशन में किसी को नहीं था, या हमें साइडलाइन करने, साबका ने फेडरेशन बनाई और साबका को नहीं पता, जनरल सेक्रेटरी को नहीं पता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को नहीं पता, वाइस प्रेसिडेंट जो है 2-3 किसी को नहीं पता, तो किसको पता था, कौन थे वो, कहां से आए। मुझे लगता है इनकी अपनी पार्टी के जो ही गुर्गे थे वही इनको ले जाते थे, इनकी बातचीत कराते थे, क्या कराते थे, या इन्होंने सिर्फ शेखी बगाड़ने के लिए कि मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूं, बहुत बड़ा 30 मार का हूं, तो इन्होंने बोल दिया है। लेकिन मगर जो भी किया है इन्होंने, जो भी जैसा भी किया है, ये शर्म कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात है। ये चीज जान लेनी चाहिए कि आप जवानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपने एक सपना जो हर जवान का है कि जवानों की अपनी संस्था हो, हम जवान अपना मुद्दा उठा सकते हैं, हमें किसी सहारे की, किसी लकड़ी की या किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हमें अफसर ही हमारा मुद्दा उठा सकते हैं। अरे भाई, इतने पढ़े लिखे आ रहे हैं, सब कुछ आता है, जरूरी है कि सरकार के साथ अंग्रेजी में जाके बात करोगे, हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, यू आर फाइन, यू आर गुड, उससे सरकार मानेगी क्या? सरकार में उनको हिंदी नहीं आती है? हिंदुस्तान की सरकार है, भारत की सरकार है, सब काम हिंदी में होने चाहिए। तब फिर लेके आऊंगा यज्ञ प्रताप को, फिर इसके आपको इसके कोर्ट मार्शल के बारे में पूरी कहानी बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आज शाम को शायद हमारे साथ हो सकते हैं या तो हरपाल सिंह, या फिर कपिल देव, या फिर हमारे गोपाल जी। तो याद रखिएगा, आपको पहले सूचित कर दिया जाएगा। तो आपसे मिलेंगे भाई लोगों। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों।